चिकन रख दिया सारी स्टैंड पे, अब इस हमने इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया है। तो इसको हमने ना 35-40 मिनट्स के लिए ना नाइसली स्टीम रोस्ट करना है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये चिकन को मैंने ऐसे सारा कट लगा लिया, इधर भी कट लगा लिया, विद स्किन है तो ना ऐसे करके ना मैंने इसको डीप डीप कट लगवा के ना, तो ये मैं आज बनाने लगी हूँ हरियाली जो मलाई चिकन को चला। ये देखो वन एंड हाफ स्पून मैंने सॉल्ट का डाला इसमें, तो ना ये ग्रीन मसाला जो मैंने बनाया आपके सामने, स्पिनेच, कोरिएंडर, ग्रीन चिली, गार्लिक, जिंजर एंड लेमन से ये मैंने ग्रीन मसाला बनाया। तो ये हम ना जितना हमें इसके लिए चाहिए उस डाल लेते हैं, बाकी सेव करते इतना वो सारा मसाला तो नहीं इसको लगेगा, तो ना ये जितना हमें इसके लिए दरकार है ना उतना। इसको ना हमने मैरिनेट करके रख देना है 40 मिनट्स के लिए। ये फ्रिज में जाएगी मैरिनेट होके, तो फिर उसके बाद हम ना इसको स्टीम में पकाएंगे। ये जो है ना बहुत ही मज़े की हमारी हरियाली जो चिकन रोस्ट होने लगी है। रेस्टोरेंट में जाते हैं इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, तो बंदा घर पे भी बना ले, बच्चों को थोड़ा सा चेंज मिल जाए। और देखें ये माशाल्लाह से इसके ऊपर सारा मसाला लग गया है। अब मैंने ये 40 मिनट्स के लिए फ्रिज में डाल देनी है। थोड़ी सी मैं इसके ऊपर डबल क्रीम डालने लगी हूँ, ज़्यादा नहीं डालनी, बहुत ज़्यादा ऐसे रिच नहीं बनानी, थोड़ा सा ना बस। देखिए हमने कुछ ना 25 ml हमने क्रीम डाल दी, 25 ml डबल क्रीम। तो चिकन रख दिया सारी स्टैंड पे, अब इस हमने इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया है। तो इसको हमने ना 35-40 मिनट्स के लिए ना नाइसली स्टीम रोस्ट करना है, ठीक है। पैन में पानी डाला और अब मैं ये ग्रीन बीन्स काट के रखे हैं, फलियां जिसको कहते हैं, तो इसको हम ना बॉईल करने के लिए रखते हैं। ठीक है, मैंने ये बटर डाला है, तो ये ग्रीन मैंने नाइसली स्टीम करके इसको कुक कर लिया है, काफी जल्दी। लुक्स नाइस ग्रीन। एक मैंने ऑयल के बगैर वाले भी पकोड़े बनाए हैं, तो बड़े पीस है चिकन के। ये देखिए कैप्सिकम रेड और येलो और साथ में ऑरेंज और लेमन।
थोड़ा भी गोल है ना, तो राउंड राउंड घूम रहा है। ज़्यादा हमने इसको ऑयली नहीं बनाना, बस तो थोड़ी थोड़ी ऐसे ऐसी घूम देनी है। ऑलरेडी कुक हो गई है, ये जस्ट हाइट मतलब कितने ही टेस्टी दिख रहे देखे। ये बिल्कुल स्ट्रीट फूड स्टाइल में मैंने ये बनाई है डिश। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, बल्कि यहाँ तो यूके में तो बहुत देर से, तकरीबन हम पिछले 3-4 साल से जा रहे हैं जो रेस्टोरेंट में ऐसे तवा का होता है पूरा, तो ना साथ फ्राइज भी होते हैं, राइस होती है, तो मैंने ऐसे कोई फ्राइज राइस ये वगैरह तो नहीं बनाई, बस मैंने वेजिटेबल के साथ चिकन बनाई है। ये देखो टमाटोज़ को हम उलट पुलट करें ताकि इनके अंदर अच्छा सा फ्लेवर चला जाए। थोड़ा सा हल्का सा हमने बटर डाला था। चिकन हमने वैसे स्टीम की है, बहुत हेल्थी है, बहुत ही मज़े की और बहुत खाने के लिए हेल्थी है, बल्कि जो लोग डाइट पे जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी आइडियल रिकमेंड डिश है। हैं बॉयल, तो अब मैं बीन्स को निकाल के डालती हूँ। ये भी साथ थोड़ा सा इनको सिजलिंग लुक देते हैं तो बड़े ही मज़े के लगेंगे। अभी हल्का सा लेमन जूस में डालने लगी चिकन। ये जो आ रही है ना आवाज़, जो स्ट्रीट फूड जो होता है ना, हमें इस आवाज़ पे लेके जाता है। जो हम स्ट्रीट फूड जाके खाते हैं वो इस आवाज़ पे हमें वो फूड लेके जाता है। का जो अरोमा निकलता होता है वो तो अलहदा बात है, बाकी ये जो शू शैं की ये आवाज़ है ना कुकिंग की, इस स्ट्रीट फूड का ये अट्रैक्शन होता है। थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के लिए भी गुड करते हैं। अगर प्रेजेंटेशन अच्छी है तो खाना पहले देखने को अट्रैक्ट करेगा, तो फिर बंदा वो वाला खाने की कोशिश करता है। थोड़ा सा हम अपने तवे को घुमाएं, ये रहे तीन हमारे, देखें बीन्स के ऊपर ऑलरेडी ये लुक आ गई। सारी मेहनत तो की है तो खाके ना दिखाया तो फिर क्या फ़ायदा। तो ये देखिए मैं इसको काटती हूँ, खाके दिखाती हूँ, देखिए ये अंदर से कितना ही जूसी है। देखिए
कितना ही मज़ेदार, कितना टेंडर, बहुत नाइसली ये स्टीम के अंदर जो इतना ही नाइस टेंडर हो गया। एवरी डे तो नहीं इस तरह की कुकिंग बंदा करता, चलो कोई दावत है या मतलब मेहमान आ रहे हैं या किसी की फरमाइश है तो फिर बंदा इस तरह की कुकिंग करता है। ये वेजिटेबल आप इसमें डाल सकते हो, अगर आपने राइस साथ सर्व करनी है या चिप्स या रोस्ट पोटेटो या वेजीज कुछ भी आप इसके साथ सर्व कर सकते हैं चिकन से। तो मैंने बीन्स और साथ में पेपर ये ऐसी चीज़ें सारे टमाटो जैसे ज़रा ना थोड़ी सी फैट फ्री सी चीज़ें मैंने इसमें डाली है ज़्यादा मैं